Hello so let's read this question the question says in a vernier caliper 10 divisions of vernier scale is equal to nine divisions of main scale uh, when both jaws of vernier caliper touch each other the zero of vernier scale is shifted to the left of zero of the main scale and fourth vernier scale division exactly coincides with the main scale reading one main scale division is equal to 1 mm while measuring diameter of spherical body, the body is held between two zones. It is now observed that zero of the Vernier scale lies between 30 and 31 divisions of main scale reading and sixth Vernier scale division exactly coincides with the main scale reading. The diameter of the spherical body will be option first. 3.02 सेंटीमीटर ऑप्शन सेकंड 3.06 सेंटीमीटर एंड ऑप्शन थर्ड 3.10 सेंटीमीटर एंड ऑप्शन फोर्थ 3.20 सेंटीमीटर तो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या बोला गया है कि 10 वर्नियर स्केल डिवीजन जो है वो नाइन मेन स्केल डिवीजन के इक्वल है और हमें बोल रखा है कि जो जीरो है वर्नियर स्केल का वो क्या होता है लेफ्ट के अंदर लाई करता है मेन स्केल के एंड फोर्थ वर्नियर स्केल डिवीजन वो एग्जैक्टली exactly कंसाइड करता है विद द मेन स्केल रेडिंग

की कंसेप्ट की कंसेप्ट एक तो ये यूज होगा कि हमें पता होना चाहिए कि जो वर्नियर कैलिपर है उसकी रीडिंग किस प्रकार से लेते हैं हम लोग तो यहां पे मैं लिखता हूँ रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर वर्नियर कैलिपर की जो रीडिंग है वो किस प्रकार से हम लोग लिखेंगे एक तो ये हमारा की कंसेप्ट होगा ये किस प्रकार से लिखते हैं हम लोग आ, ये हमारे पास रहती है मेन स्केल रीडिंग मेन स्केल रीडिंग जिसको हम एमएसआर से बोल रहे हैं प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग माइनस जीरो एरर माइनस हमारे पास क्या है जीरो एरर जीरो एरर सो अब हमारे पास पता है कि मेन स्केल रीडिंग तो हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है एंड वर्नियर स्केल रीडिंग एंड जीरो एरर ये हमें फाइंड आउट करना होगा सो हम बात करते हैं वर्नियर स्केल रीडिंग की वर्नियर स्केल रीडिंग सो ये वर्नियर स्केल रीडिंग जो है आ, ये हमारे पास क्या होती है यह हमारे पास होती है डिविजन कोइनसाइडिंग विद मेन स्केल डिविजन कोइनसाइड्स कोइनसाइड्स विद मेन स्केल विद मेन स्केल सॉरी इसको थोड़ा सा सही लिख लेते हैं मेन स्केल इनटू लिस्ट काउंट एल सी हमारे पास क्या हो जाएगा लिस्ट काउंट एल सी ये वर्नियर स्केल डिवीजन रहती है डिवीजन विद मेन स्केल स्केल यानी कि वर्नियर का कौन सा डिवीजन मेन स्केल के साथ, कौन साथ कर रहा है वो एंड लिस्ट काउंट सो अब हमें चाहिए कि हम लोग लिस्ट काउंट किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे थर्ड हमें क्या चाहिए लिस्ट काउंट तो लिस्ट काउंट किस प्रकार से हम लोग फाइंड आउट करते हैं लिस्ट काउंट हमारे पास रहता है मेन स्केल डिवीजन मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर सॉरी वन मेन स्केल डिवीजन माइनस वन वर्नियर स्केल डिवीजन वन वर्नियर स्केल डिवीजन तो इससे हमारा लिस्ट काउंट आ जाएगा अब हमारे पास रहेगी जीरो एरर अब हमारे पास क्या रही है जीरो एरर जीरो एरर अब ये हमारे पास दो टाइप की होती है जीरो एरर हमारे पास दो टाइप की होगी एक पॉजिटिव जीरो एरर एक हमारे पास रहती है नेगेटिव जीरो एरर एंड इन दोनों को जो है फाइंड आउट करने का जो प्रोसीजर है वो भी थोड़ा अलग अलग होता है तो वो दोनों के लिए देख लेते हैं हम लोग सो so, हम इसको यदि समझने की कोशिश करें तो ये मैं यहाँ पे एक स्केल बनाता हूँ और एक यहाँ पे मैं बनाता हूं नीचे जो मैं यहाँ पे रीडिंग लिख रहा हूं वो हमारे पास क्या है मेन स्केल की रीडिंग है सो so, जस्ट ये हम यहाँ पे जस्ट शो करने के लिए हम यहाँ पे दिखा रहे हैं एक्चुअल जो स्केल है वो मैं यहां पे नहीं बना रहा हूं जस्ट यहां पे क्या है शो करने के लिए सो so, एक तो हमारे पास कंडीशन रहती है ये किसकी है मेन स्केल की है ये नीचे वाला है मेन स्केल एक तो हमारे पास ये रहेगी कि मेन स्केल की जो जीरो है उसके राइट साइड के अंदर हमारे पास वर्नियर की जीरो होगी ये ऊपर वाली किसकी है वर्नियर की है ऊपर वाली किसकी है वर्नियर की एंड ये जो हमारा है ये एग्जेक्टली exactly इसके साथ मेन स्केल के साथ क्या कर रहा है कोइनसाइड कर रहा है सो so, मैंने इसको डार्क कर दिया तो एक तो ये कंडीशन होगी सेम इसी प्रकार से यहां पे हमारे पास जीरो है मेन स्केल की यहां पे हमारे पास क्या है जीरो है और अभी जो है हमारे पास वर्नियर स्केल की जो जीरो है वो क्या है इसके लेफ्ट के अंदर है वो इसके लेफ्ट के अंदर है वो इसके लेफ्ट के अंदर है और यहां पे ये जो है ये इसके साथ पूरी तरह से कंसाइड कर रहा है तो ये ऊपर वाला कौन सा है वीएस लिख देता हूं वर्णिय स्केल है नीचे वाला मेन स्केल है सो so, यदि हमारे पास वर्नियर स्केल की जीरो मेन स्केल के क्या है मेन स्केल की जीरो के राइट साइड के अंदर है तो ये जो एरर होती है हमारी ये कैसी होती है पॉजिटिव जीरो एरर पॉजिटिव जीरो एरर एंड यदि हमारे पास लेफ्ट में है तो ये हमारे पास कैसी रहती है नेगेटिव जीरो एरर नेगेटिव जीरो एरर सो अब इन दोनों को फाइंड आउट करने का हमारे पास फॉर्मूला भी रहता है फॉर्मूला क्या रहेगा मैं ये मान लेता हूं कि ये हमारे पास कौन सा जो है कंसाइड कर रहा है ये हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो दे रखा है वही मान लेते हैं कि फोर्थ वर्नियर स्केल है फोर्थ वर्नियर स्केल डिवीजन जो है वो एग्जैक्टली कौन साइड कर रहा है मेन स्केल के साथ फोर्थ वर्नियर हमारे पास एग्जैक्टली exactly कर रहा है दोनों साइड लिख देता हूँ तो जब पॉजिटिव जीरो एरर फाइंड आउट करेंगे तो ये स्केल हमारा क्या है वर्नियर स्केल आगे चल रहा है तो आगे चल रहा है तो इसके अंदर कितनी एरर होगी टेन माइनस सॉरी टेन माइनस फोर इन लिस्ट काउंट और वर्नियर स्केल के अंदर कितने डिवीजन uh, होते हैं हमारे पास डिवीजन कितने हैं टेन डिवीजन है टेन डिवीजन हमें डिवीजन माइनस फोर इंटू लिस्ट काउंट ये पॉजिटिव जीरो सेकेंडली ये इस बार ये मरा क्या चल रहा है, पीछे चल रहा है कितना पीछे चल रहा है डायरेक्ट फोर पीछे चल रहा है डायरेक्ट फोर पॉइंट्स पीछे चल रहा है फोर पे ये फोर इंटू लिस्ट काउंट आ जाएगा ये इस प्रकार से हम लोग फाइंड आउट करते हैं uh, सो so, ये हमारे पास आगे चल रहा था तो so, टेन में से कितने पॉइंट आगे चल रहा था टेन uh, में से छह पॉइंट आगे चल रहा था तभी ये फोर पे जाके कॉन्साइड किया और वो फोर पॉइंट डायरेक्ट पीछे चल रहा है इसलिए फोर पे जाके क्या कर रहा है कौन uh, साइड कर रहा है सो so, इस प्रकार से हम लोग नेगेटिव जीरो एरर एंड एंड पॉजिटिव जीरो एरर जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं सो so, ये हमारा मेन की कंसेप्ट रहेगा इस की कंसेप्ट की सोल्व करते हैं हम लोग अब यदि मैं बात करूं किसकी सोल्यूशन की तो सोल्यूशन uh, मेरे पास क्या होगा सबसे पहले तो मैं लिस्ट काउंटी फाइंड आउट कर लेता हूँ सो लिस्ट एल सी फाइंड आउट करने के लिए मेरे को क्वेश्चन के अंदर यह देखा है कि जो हमारे पास नाइन मेन स्केल डिवीजन है वो टेन वर्नियर स्केल डिवीजन के इक्वल है टेन डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इज इक्वल टू नाइन डिवीजन ऑफ मेन स्केल ये हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है क्वेश्चन के अंदर हमें देखा है कि टेन वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू नाइन मेन स्केल डिवीजन सो so, यहां से यदि मैं वन वर्न स्केल डिवीजन फाइंड आउट करता हूं वन वी ये कितना आ जाएगा जीरो पॉइंट नाइन स्केल डिवीजन अब हमें देखा है कि एक मेन स्केल डिवीजन जो है वो किसके इक्वल है वन एम एम के तो यदि मैं एमएसडी की जगह क्या लिख देता हूं वन एम एम तो एक वर्न ईयर स्केल डिवीजन की वैल्यू कितनी आ जाएगी ये आ जाएगी हमारे पास जीरो पॉइंट नाइन एमएम जीरो पॉइंट नाइन एम एम ये आ गए हमारे पास मेरे को चाहिए लिस्ट काउंट तो लिस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या रहता है वन मेन स्केल डिवीजन वन मेन स्केल डिवीजन माइनस वन वर्नियर स्केल डिवीजन तो एक मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू कितनी है वन एम एम है वन एम एम और एक वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू कितनी है जीरो पॉइंट नाइन एम एम है तो माइनस जीरो पॉइंट नाइन एम एम तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा जीरो पॉइंट वन एम एम या फिर मैं इसको बोल देता हूँ जीरो पॉइंट जीरो वन सेंटीमीटर जीरो पॉइंट जीरो वन सेंटीमीटर ये हमारा आ गया लिस्ट काउंट अब मेरे को चाहिए जीरो एरर जीरो एरर भी मैं फाइंड आउट कर लेता हूं तो जीरो एरर पहली बात तो ये हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि ये लेफ्ट के अंदर आ रहा है तो नेगेटिव जीरो एरर होगी और उसके अकॉर्डिंग हमने देख लिया था फोर इंटू लिस्ट काउंट लिस्ट काउंट हमारे पास क्या है जीरो पॉइंट जीरो वन तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस जीरो पॉइंट जीरो फोर सेंटीमीटर ये हमारा क्या आ गया जीरो एरर एरर नेगेटिव जीरो आ गई ठीक है अब मेरे को चाहिए वर्नियर स्केल रीडिंग वर्नियर स्केल रीडिंग चाहिए मेरे को तो वर्नियर स्केल रीडिंग हम कैसे फाइंड आउट करते हैं वर्नियर स्केल रीडिंग के लिए हमने क्या देखा था की कंसेप्ट की कंसेप्ट देखा था कि डिवीजन कौन साइड विद स्केल जब हम इसका डायमीटर मेजर कर रहे हैं तो कौन सा डिवीजन कौन साइड कर रहा है सिक्स डिवीजन इनटू लिस्ट काउंट सिक्स डिवीजन इनटू लिस्ट काउंट तो सिक्स डिवीजन मेज करा है लिस्ट काउंट हमारे पास सेंटीमीटर है तो वर्नियर स्केल रीडिंग कितनी आ जाएगी जीरो पॉइंट जीरो को चाहिए डायमीटर की रीडिंग चाहिए डायमीटर तो मेन स्केल रीडिंग मेन स्केल रीडिंग हमारे पास क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि थर्टी एंड थर्टी वन डिविजन ऑफ मेन स्केल कहां पे कौन सा करता है थर जो वर्नियर स्केल है जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल लाइज बिटवीन थर्टी एंड थर्टी वन डिविजन ऑफ मेन स्केल सो थर्टी एंड थर्टी वन हम बात करते हैं थर्टी की थर्टी की क्यों बात करते हैं क्योंकि हमें एग्जैक्ट दे नहीं रखा कि कौन से से मैच कर रहा है तो मैं थर्टी से लेके करवा लेता हूं सो so, थर्टी से लेकर करवाएंगे तो ये में कितनी गिवन है थ्री सेंटीमीटर थर्टी थर्टी डिवीजन है तो एक जीरो पॉइंट वन एम का एक डिवीजन है जीरो पॉइंट वन एम का एक डिवीजन है तो ये कितना आ जाएगा थ्री सेंटीमीटर आ जाएगा थ्री सेंटीमीटर वन स्केल डिवीजन कितने का हमें वन एम mm का सॉरी वन एम एम का देखा है तो हमारा एग्जैक्ट कितना आएगा थर्टी से थर्टी से हमारा आ जाएगा थर्टी एम एम जो कि थ्री सेंटीमीटर आ जाएगा करेक्ट है स्केल रीडिंग है वर्नियर स्केल जो रीडिंग है वो हमारे पास जीरो पॉइंट जीरो सिक्स सेंटीमीटर है और जीरो एरर है जो हमारी वो क्या है माइनस जीरो पॉइंट जीरो फोर सेंटीमीटर है तो इसको सॉल्व हम करेंगे तो ये हमारे पास कितना आने वाला है आ, अभी एक मिस्टेक होगी यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये क्या रहता है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ये क्या रहता है माइनस जीरो एरर माइनस जीरो एरर रहता है तो ये थ्री सेंटीमीटर प्लस जीरो सिक्स सेंटीमीटर माइनस और जीरो एरर की वैल्यू कितनी है माइनस जीरो पॉइंट जीरो फोर सेंटीमीटर तो जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये हमारे पास आ जाएगा थ्री पॉइंट वन जीरो सेंटीमीटर आ जाएगा ये कितना आ जाएगा थ्री पॉइंट वन जीरो सेंटीमीटर तो हमारा डायमीटर कितना आएगा थ्री पॉइंट वन जीरो सेंटीमीटर आएगा तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा हमारे पास वो देख लेते हैं तो जो ऑप्शन हमारा सी ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट है सो ऑप्शन सी थ्री पॉइंट वन जीरो सेंटीमीटर इज द फाइनल आंसर आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल बेस्ट ऑफ लक थैंक यू